हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल डी के पर। मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल डी के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको अपने मोबाइल से अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को ऐड करने के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, हमें इससे ये फायदा होता है कि जब हमारे सब्सक्राइबर या कोई नए व्यूवर होता है तो फिर जब हमारे चैनल का अबाउट सेक्शन चेक करता है तो फिर उसे हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिलते हैं, तो फिर वो उन पर भी विजिट करते हैं। तो इससे जैसे कि हमारे इंस्टाग्राम पर वो विजिट करेगा तो हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं ये सारा काम अपने मोबाइल से करके बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, अपने मोबाइल से अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को ऐड करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना होगा youtube.com। youtube.com सर्च कर लेना है आपको। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है और योर चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको आज अपने सेकंड चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो ऐड करके बताऊंगा। मैं इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करके बताने वाला हूँ आपको। और दोस्तों, जैसे कि मेरा मेन चैनल है, आप उस पर देख लेना कि अबाउट सेक्शन मैंने पहले ही अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को ऐड कर रखा है। अब कस्टमाइज चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। कस्टमाइज चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आपके सामने ऊपर में तीन ऑप्शन शो होंगे, लेआउट, ब्रांडिंग और सामान्य जानकारी। तो आपको थर्ड नंबर ऑप्शन है सामान्य जानकारी, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ऑप्शन आएगा लिंक जोड़ें, तो इस पर क्लिक करना है। और आप किसका लिंक जोड़ना चाहते हैं वो लिखना है आपको। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम का लिंक जोड़ना चाहता हूँ तो मैं वो लिख देता हूँ। इंस्टाग्राम लिखने के बाद आपको यहाँ पर URL डालें जो सेकंड कॉलम है, इस पर क्लिक करना है। और जो भी आपने अपना लिंक है वो कॉपी किया है वो पेस्ट कर देना है। तो मैंने ये कॉपी कर लिया है लिंक और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब दोस्तों, मैं जैसे कि ये इंस्टाग्राम एक का ही लिंक जोड़ना चाहता हूँ, आप यहाँ पर जैसे कि ये सेकंड नंबर वापस ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने लिंक जोड़ें। इस तरीके से आप 5 लिंक जोड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये ऑप्शन भी है यहाँ पर। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर 5 लिंक जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेव या प्रकाशित करें। दोस्तों, मैं YouTube पर जाकर आपको दिखा देता हूँ। चैनल के लोगो पर क्लिक किया और योर चैनल, अब अबाउट सेक्शन में दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखा हुआ आ चुका है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पर सीधा रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। और जो भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी हैं ये ओपन हो चुके हैं। और यहाँ पर से आप सीधे ऐप में भी जा सकते हैं इंस्टाग्राम में और इस आईडी को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको अपने मोबाइल से अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को ऐड करने के बारे में बताया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।